हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल शिपिंग फंडा। अ बिग थैंक यू टू ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन आवर प्रीवियस वीडियोस। आज के ज़माने में हम लोग हर एक मिनट में इंस्टाग्राम चेक करते हैं। हमारे फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो हमें खुशी होती है, पर कहीं कोई है जो हमेशा हमें फॉलो करता है। उसके पास इंस्टा नहीं है, बट आप सही करो या गलत वो लाइक करता है। वो ऐसा कोई कमेंट ही नहीं करना चाहता जिससे हमें बुरा लगे। ये वीडियो उस इंसान को समर्पित है। आप हर एक मिनट में व्हाट्सएप स्टेटस देखते हो, पर हो सकता है उसके पास व्हाट्सएप ही ना हो, पर उसका ध्यान हमेशा आपके ऊपर ही है। वो आपके प्रेजेंट स्टेटस को चेक करता है, आपके खाने पीने का ध्यान रखता है, आपकी चिंता उसको हमेशा रहती है। ये वीडियो उस इंसान के प्यार को समर्पित है। दोस्तों, आप तो जानते ही हो, स्विगी और जोमैटो जैसे ऐप हमें कुछ मिनटों में खाना पहुंचा देते हैं। पर कहीं कोई है जिसको आपके कल की चिंता है, परसों की फिक्र है, स्कूल के टिफिन में क्या लेके जाओगे, ऑफिस में क्या खाओगे, वो ये सोचता रहता है। 5 दिन बाद संडे है तो आपको आपका फेवरेट डिश बना के दे, और वो ये सब किसी भी मतलब के लिए नहीं करता। ये वीडियो उस अन्नपूर्णा देवी को समर्पित है। पिता शब्द है जीवन दर्शन, माँ जीवन का सार। पिता शांत है सागर सा, माँ गंगा की धार। पिता अंधेरों में दीपक सा, माँ भटकों को राह। माता पिता, इन दो शब्दों में मिल जाता संसार। जीवन में दो चीज़ों का अंदाज़ा हम कभी भी नहीं लगा सकते। एक है माँ की ममता और दूसरा पिता का प्यार। कहते हैं कि पहला प्यार कभी भी भुलाया नहीं जाता, फिर पता नहीं लोग माँ बाप का प्यार क्यों भूल जाते हैं। माँ एक ऐसी बैंक है जहाँ आप हर भावना और दुख जमा कर सकते हैं। पिता एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जिनके पास बैलेंस ना होते हुए भी हमारे सपने पूरे करने की कोशिश करते हैं। किसी ने सही कहा है, मेरी उंगली पकड़ के चलते थे, अब मुझे रास्ता दिखाते हैं। अब मुझे किस तरह से जीना है मेरे बच्चे मुझे सिखाते हैं। हम बड़े हो रहे हैं, पर हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि वह भी बूढ़े हो रहे हैं। ज़िंदगी की भागदौड़ में और अपने सपने पूरे करने की आस में हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जिन्होंने हमें जीना सिखाया, हम उनके केयर करना ही भूल जाते हैं। माता पिता और बच्चों के बीच में जनरेशन गैप होना तो काफ़ी स्वाभाविक है, क्योंकि दोनों पीढ़ियों के विचारधारा में बहुत फ़र्क है। पर आजकल माता पिता और बच्चों के बीच जो दूरियां है वो बढ़ती जा रही है। बच्चे इतने टेक्नोसावी बन चुके हैं कि उन्हें माता पिता के तौर तरीके पुराने लगते हैं। इसी वजह से उनके बीच सही कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। बच्चों को अपने पेरेंट्स की सोच नैरो माइंडेड लगती है, इसीलिए वह कोई भी चीज़ उनके साथ शेयर नहीं करते। बच्चे माता पिता से ज़्यादा गूगल असिस्टेंट और अपने दोस्तों को पूछते हैं। पर क्या इस जनरेशन गैप के पीछे सिर्फ बच्चों की गलती है? पहले के ज़माने में सब लोग साथ में रहा करते थे, जिसकी वजह से बच्चों को परिवार में ही दादा दादी, चाचा चाची और परिवार के अन्य सदस्यों का प्यार मिलता था। बच्चों को कभी भी बाहर फ्रेंड्स ढूंढने नहीं जाना पड़ता था, और ना ही मोबाइल या टीवी देखने का टाइम मिलता था। इसकी वजह से बच्चों में अच्छे संस्कार आते थे। सब साथ में होने की वजह से परिवार में आर्थिक रूप से भी ज़्यादा समस्याएं नहीं आती थी। कुछ छोटी बड़ी मुश्किलें अगर आ भी जाती तो सब मिलके उसका हल निकाल लेते थे। पर अभी सब अलग रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। इसकी वजह से ज़्यादातर माता पिता दोनों को जॉब करना पड़ता है। जॉब का प्रेशर, घर का काम और बच्चों की जिम्मेदारी, ये सारी चीज़ें दोनों से अकेले नहीं हो पाती, और वह अपनी जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते हैं।
इसी के चलते घर में अशांति और तनाव का माहौल ज़्यादा रहता है। फिर भी दोनों मिलके फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने की पूरी कोशिश करते हैं, तब जाकर अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी कर पाते हैं। वे अपने बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। जीवन के इसी भागदौड़ में वे बच्चों को टाइम देना भूल जाते हैं। कितने यंग पेरेंट्स होते हैं जो पूरा दिन अपने बच्चों को बेबी सिटिंग में छोड़कर काम पर चले जाते हैं। जब भी पेरेंट्स को टाइम मिलता है बच्चों के साथ रहने का, तभी भी वे अपना टाइम मोबाइल और लैपटॉप में गुजारना पसंद करते हैं। कहीं ना कहीं जाने अनजाने में पेरेंट्स ही बच्चों को सोशल मीडिया की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसमें कुछ गलत बात नहीं है, पर जो गाइडेंस बच्चों को फैमिली में रहकर मिलनी चाहिए वो उन्हें सोशल मीडिया से मिलती है। बच्चे अपना ज़्यादातर वक्त मोबाइल में ही गुजारने लगते हैं क्योंकि उन्हें अपने पेरेंट्स के पास से ज़्यादा केयर और अटेंशन नहीं मिलता। इसी के चलते बच्चे भी बड़े होकर वही गलती दोहराते हैं। बचपन में माता पिता ने बच्चों को वक्त देना सही नहीं समझा, इसीलिए वही बच्चे बड़े होकर अपने पेरेंट्स की केयर करने के लिए उन्हें वक्त देना सही नहीं समझते। वो कहते हैं ना कि ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजाई जाती, उसी तरह किसी भी रिश्ते में रिश्ता निभाने के लिए दोनों तरफ से कोशिश करनी होती है। पर इस रिश्ते की दूरियों को मिटाने का एक ही रास्ता है और वो है कम्युनिकेशन, बिकॉज कम्युनिकेशन इज़ द की। जब तक हम खुल के बात नहीं करेंगे तब तक हम एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, हमारी फैमिली, हमारा संसार, यही हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। आजकल हम हमारा सारा वक्त टेक्नोलॉजी को दे रहे हैं, हमारा सारा ध्यान वहाँ रहता है जो सिर्फ हमें पल भर की खुशियाँ देता है। हम ऐसा कुछ क्यों नहीं कर सकते हैं जिससे हमें अपने परिवार के साथ रहने की खुशियाँ, प्यार बांटने का सुख हमेशा मिलता रहे? क्यों हमने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर ली है जहाँ बच्चे भाग भाग कर गूगल के पास जाते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं? हमने तो ये भी सुना है कि बच्चे आजकल गूगल को गूगल बाबा या गूगल अंकल भी बुलाते हैं। ऐसा क्या हो गया है कि उनको अपने घर के बड़े बुजुर्ग दिखाई नहीं देते? हम इंस्टाग्राम पे फोटोज तो तुरंत शेयर कर देते हैं, पर क्यों हम पहले अपने घर वालों के साथ ये सब शेयर नहीं कर पाते? हमने वीडियो कॉलिंग के लिए स्काइप और ईमो तो ले लिया है, पर क्यों हम अपने घर वालों के सामने बैठकर फेस टू फेस बातें नहीं कर सकते? व्हाट्सएप पर तो हम दोस्तों से बहुत चैटिंग करते हैं, बट क्या आपने कभी सोचा है कि घर पर बच्चे माँ बाप से, हस्बैंड वाइफ से या भाई बहन से इतने खुलकर बात क्यों नहीं कर पाता? टेलीग्राम, इसकी तो बात ही मत कीजिए। कोई भी मूवी हो या कुछ भी हो, हम एक पल में ही डाउनलोड कर लेते हैं। पर क्या हमने कभी सोचा है कि अगर हम दुखी हैं तो क्यों हम फिर से सुख को डाउनलोड नहीं कर सकते? हो सकता है कि पति पत्नी के बीच में कुछ अनबन हो या कुछ गलत फहमियाँ हों, पर हम क्यों बीती बातों को डिलीट करके दोबारा उस पहले जैसे जीवन को डाउनलोड नहीं कर सकते? अगर हमारे कंप्यूटर स्क्रिप्ट में कुछ प्रॉब्लम हो तो हम सीधा बैक जाकर उसे डिलीट कर देते हैं। तो लाइफ के इस किताब के स्क्रिप्ट में से हम दुख को डिलीट क्यों नहीं कर सकते और अपनी खुशियाँ डाउनलोड क्यों नहीं कर पाते? अक्सर हस्बैंड वाइफ की गलतियों से हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और अपने इस पवित्र रिश्ते को बस नाम भर का बना देते हैं। पत्नी घर संभालने की और बच्चे बड़े करने की वस्तु बन जाती है और पति उनकी ज़रूरतों को पूरा करने वाला एटीएम मशीन। ऐसा क्या हो जाता है जो आप दोनों सही नहीं कर सकते? क्यों भूल जाते हैं वो सात फेरे, वो कस्में जो शादी के वक्त खाई थी? हम बाहर प्यार और सुख ढूंढने लग जाते हैं, बट दोस्तों ध्यान से देखिए, आपके घर के चार दीवारों के अंदर ही सबसे ज़्यादा सुख और शांति है। दोस्तों,
फाइनली हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है, पर कितना अहम है ये आपको डिसाइड करना है। क्या ये सब हमारी फैमिली से बढ़कर है या फिर फैमिली सबसे पहले है, ये आपको डिसाइड करना है। आज 7-8 किलो का बैग उठाने पर आपको वज़न लगता है, पर जिस माता पिता ने आपका वज़न यानी आपकी ज़िंदगी का भार उठाया उनको कभी बोझ मत समझना। अगर आज आप फल फूल रहे हैं तो माता पिता उस पेड़ की जड़ें हैं, ये कभी मत भूलिए। जो बच्चे अपने माँ बाप को प्यार नहीं दे सकते, सहारा नहीं दे सकते, मान सम्मान नहीं दे सकते, वक्त उनको कभी भी माफ़ नहीं करता। याद रखिए, जहाँ आज आपके माता पिता खड़े हैं कल आप होंगे। माँ बाप अगर अपने बच्चों को पहला कदम उठाने में उनकी मदद कर सकते हैं तो वही बच्चे अपने माँ बाप के आखिरी कदम उठाने वक्त उनका साथ क्यों नहीं दे सकते। जिस सीढ़ी से चढ़कर आप ऊपर आए हो, अपने माता पिता को उस सीढ़ी पर मत छोड़ दो, उनको भी अपने साथ ऊपर लो और उनके साथ चलो। हम सबको एक दूसरे को समझने के लिए अनगिनत मौके देने चाहिए। आप अपने परिवार को ही सोशल मीडिया समझ लो और उनके साथ अपनी सारी खुशियां शेयर करो। आप हर साल विमेंस डे मनाते हो, पर आप ध्यान देना कि आपकी माँ, बहन, बीवी या फिर जो भी औरत आपके घर पर हो उसके आंखों में कभी भी आंसू ना आए। भाई बहन का प्यार सिर्फ रक्षाबंधन तक ही सीमित ना रहे, इसका ध्यान दें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप अपने जीवन में इतना व्यस्त हो जाओ कि आपको अपने माता और पिता की याद सिर्फ मदर्स डे या फादर्स डे पर आए। पति पत्नी का संबंध सिर्फ वेडिंग एनिवर्सरी और वैलेंटाइंस डे ना बनकर रह जाए, आप अपने इस रिश्ते को रोज सेलिब्रेट करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल इन अबंडेंस। ऑल्सो हमारे प्रीवियस वीडियो यानी कि फार्मर्स पॉलिसी वाले वीडियो में हमने वादा किया था कि जिसकी कमेंट सबसे बेस्ट होगी उसको हमारी ओर से एक गिफ्ट मिलेगा। तो इनमें से सबसे बेस्ट कमेंट हेमा कृष्णन जी का था, तो उनको हमारी ओर से एक गिफ्ट दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल शिपिंग फंडा। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड कॉमेंट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।